पीकर कूल वाली फीलिंग आती है, क्या बताऊं ब्रो। मी टू। सिगरेट पीने के बाद दिमाग आसमान में उड़ने लगता है, काम करने का स्टेमिना बढ़ जाता है, और कसम से अगर दोनों साथ में सोने से पहले सिगरेट पी लें, मतलब उस टाइम से पहले सिगरेट पी लें, तो रात भर जन्नत की सैर हो जाती है। तो फिर ये डॉक्टर और विज्ञान वाले काहे को धुआं उड़ाने को गलत कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सिगरेट के धुएं का बॉडी पर साइंटिफिक इफेक्ट देखना है तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिए। इसके बाद आप खुद डिसीजन ले लेना कि सिगरेट पीकर हम कूल बन रहे हैं या फिर फूल बन रहे हैं। शुरुआत करते हैं तंबाकू की खेती से। तंबाकू के पौधों की पत्तियों को सुखाकर जब उसे किसी पेपर में लपेटकर पैक कर लिया जाए तो समझ लीजिए सिगरेट का आगे का हिस्सा तैयार हो जाता है। इसके बाद सिगरेट का पीछे का हिस्सा, जिसे हम बट या फिल्टर भी कहते हैं, उसे जोड़ दिया जाए तो ये एक पूरी सिगरेट बन जाती है। जब आप इस सिगरेट को जलाते हैं तो इसका धुआं हर एक कश के साथ आपके शरीर के भीतर जाता है। सिगरेट के पीछे लगा हुआ फिल्टर केवल सिगरेट के उस हिस्से को आपके शरीर में जाने से रोकता है जो कि जलने के बाद बचता है, यानी जिसे हम टार कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ मात्रा में टार आपके शरीर में चला जाता है, लेकिन धुएं के साथ 4000 तरीके के डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स भी आपके शरीर में चले जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन हार्मफुल केमिकल्स की आपके शरीर में आने की जर्नी कैसी रहती है। इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर के श्वसन तंत्र को समझना पड़ेगा। जैसे हम श्वास भीतर खींचते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में विंड पाइप से होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों का पहला हिस्सा ब्रोंकाई कहलाता है। ये भी छोटे छोटे डिफरेंट सेक्टर में बटा हुआ होता है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड में है ये एल्बुलाई। इसमें आपको ब्लड स्ट्रीम नजर आ रही होगी। इस एल्बुलाई की बाउंड्री बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली कि इसमें से होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, और जो ऑक्सीजन हमने गेन की है वो ऑक्सीजन उसके भीतर आ सकती है। इस एल्बुलाई में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, यानी हमारे लंग्स में हमने ब्रीदिंग के जरिए जो भी ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन RBC के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचती है। यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचकर लाइफ के नेचुरल सिस्टम को आगे कन्वे करती है। तो आप जरा सोचिए, आप ऑक्सीजन की जगह अगर सिगरेट या तंबाकू का धुआं अंदर लेते हैं तो आपके शरीर में अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन की जगह तंबाकू के धुएं और उसमें मिले केमिकल्स पहुंचेंगे। इस धुएं में 4000 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स और गैसें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा डेंजरस है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन, जो ऑक्सीजन की तरह हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है और अपने साथ निकोटिन को लेकर आपके शरीर में अलग अलग हिस्से में पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये निकोटिन आपके ब्रेन में भी पहुंचता है। इसे ब्रेन तक पहुंचने में 5 से 10 सेकंड का समय लगता है। ब्रेन में मौजूद निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स निकोटिन को एब्जॉर्व करते हैं। आपके ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसका तत्काल इफेक्ट होता है कि सबसे पहले ये आपकी हार्ट बीट को इनक्रीज करता है। ये आपके ब्रेन में कुछ फील गुड हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जिनमें डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन शामिल होते हैं। इसके बाद तो आपके दिमाग और शरीर में फील गुड फैक्टर काम करने लगता है। आपको बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि इससे आपके शरीर में कुछ दूसरे केमिकल निकलने लगते हैं। इससे जो आपको फीलिंग्स आएगी वो कुछ इस तरह की रहेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो भी दूर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बेटर काम करेगा, आप अपने आप को टेंशन फ्री महसूस करेंगे, अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, चीज़ों पर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। लेकिन ये तमाम फील गुड फैक्टर केवल 2 घंटे के लिए रहते हैं। 2 घंटे के बाद ये निकोटिन आपके लीवर में आता है और लीवर के बाद यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। निकोटिन के शरीर से बाहर जाते ही एक बार फिर आपके ब्रेन को फील गुड फैक्टर की तलब लगती है। आप एक बार फिर एक सिगरेट पीते हैं, फिर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन निकोटिन जैसे ही अंदर जाता है आपको फिर सिगरेट की तलब लगती है। यानी कि ये निकोटिन ही है जो आपको बार बार सिगरेट पीने की तलब जगाता है। इस तरह आप सिगरेट स्मोकिंग की लत का शिकार होते हैं। कुछ लोग तो चेन स्मोकर होते हैं, वो इतनी ज़्यादा सिगरेट पीते हैं कि 24 घंटे में 100 से ज़्यादा सिगरेट पी जाते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल सिगरेट पीने वाला आदमी भी दिन भर 10 से 15 सिगरेट पी लेता है। लेकिन ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी कि निकोटिन हीरोइन और कोकीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा एडिक्टिव मटेरियल है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लंबे समय तक सिगरेट पीते हैं तो उसका आपकी बॉडी पर, आपके सांस लेने के सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे फेफड़ों में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी भीतरी दीवारों पर कुछ बाल जैसी संरचना होती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है।
इसके साथ होता है म्यूकस। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स हमारे शरीर में आ जाते हैं, जो इस सीलिया और म्यूकस के द्वारा रोक लिए जाते हैं। आगे चलकर यही हार्मफुल पार्टिकल्स और डस्ट को ये शरीर से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन जब आप लगातार सिगरेट पीते हैं के टार, तो सिगरेट के धुएं के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और टार आपके शरीर के भीतर आते हैं। ये दोनों इस सीलिया को पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं। इस कंडीशन को डॉक्टर सीलियोस्टेटिस कहते हैं। लेकिन आप सांस तो लगातार लेते रहते हैं, लेकिन जर्म्स और डस्ट लगातार आपकी बॉडी में एंटर करते रहते हैं। आगे चलकर ये सभी स्मोकर की श्वास नली को चोक कर देते हैं। तो फिर इन तमाम अनवांटेड चीजों को शरीर बाहर निकालने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करता है, और इसी प्रेशर में हमें खांसी आती है, और खांसी के दौरान ये डस्ट और दूसरी चीजें हमारे शरीर से बाहर आती हैं। शायद आपने ध्यान दिया हो कि जो स्मोकर होते हैं उन्हें सुबह सुबह खांसी कुछ ज्यादा ही आती है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि रात भर जब आप सिगरेट नहीं पी रहे होते हैं तो सीलिया अपने आप को रिपेयर कर लेता है। अपने आप को रिकवर करने के बाद ये जर्म्स और डस्ट को काफ़ी तेज़ी से बाहर करने लगते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग में स्मोकर्स लगातार खांसते रहते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये सिचुएशन लगातार बनी रहे, यानी कि सिगरेट पीने वाला लगातार सिगरेट पीता रहे, तो आगे चलकर बॉडी में मौजूद ये सीलिया परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, और आपके ब्रोंकियोल्स और उसके आसपास का सिस्टम इरिटेट होता है, और उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में स्मोकर्स हफ्ते में 7 दिन और लगातार 24 घंटे खांसते रहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इस डिजीज़ को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लगातार सिगरेट पीने की वजह से आपके शरीर में मौजूद एम्बुलाई भी परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। डॉक्टर इस कंडीशन को एम्फेसिमा बोलते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेसिमा को ही डॉक्टर्स एक साथ COPD कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जिन लोगों को सिगरेट पीने की लत है या जो चेन स्मोकर हैं, उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर उन्हें COPD हो जाता है तो ये दोबारा ठीक नहीं होता। आप कुछ दवाइयां लेकर आने वाली प्रॉब्लम्स को कुछ समय तक टाल जरूर सकते हैं, लेकिन एक साल में ये बीमारी स्मोकर्स की जान ले लेती है। सिगरेट स्मोकिंग का असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर भी पड़ता है। धुएं के साथ निकोटिन और दूसरे एलिमेंट हमारी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं। वो हमारी ब्लड वेसल्स के किनारों में जमा हो जाते हैं और फिर उन्हें जाम भी कर देते हैं, एंडोथेलियल लाइन को डैमेज कर देते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर खून की नलियां ही जाम हो गई तो आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों तक खून पहुंचेगा ही नहीं। आपके हार्ट में अगर ब्लड नहीं पहुंचा या आपके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा, ये दोनों ही सिचुएशन जानलेवा होती है। इन दोनों ही कंडीशन में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है। स्मोकिंग के जरिए इनहेल होने वाले हार्मफुल केमिकल्स अपने DNA में भी म्यूटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से लंग कैंसर की समस्या हो सकती है। धुएं के साथ अंदर जाने वाले आर्सेनिक और निकल जैसे केमिकल्स DNA की रिपेयरिंग सिस्टम को ही डैमेज कर देते हैं। मतलब कैंसर होने की सिचुएशन में आपकी बॉडी कैंसर से लड़ ही नहीं पाएगी, और इस कंडीशन में भी मौत निश्चित है। अब आइए जरा इन केमिकल्स पर भी बात कर लेते हैं जो स्मोकिंग के जरिए इनहेल किए जाते हैं। इनमें सबसे पहले अमोनिया, जिसे टॉयलेट क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एथेनॉल, जो शराब में इस्तेमाल होता है। आगे भी सुनिए, DDT जो कि कीड़ों को मारने वाली दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट बहुत लंबी है और टाइम कम। आर्सेनिक चींटियों को मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फ्यूल के बर्न होने के बाद गाड़ियों से धुएं के रूप में निकलता है। कैडमियम, जो कार बैटरी फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड, दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक जहर दूसरा नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी है और टाइम बहुत कम, लेकिन समझदारों के लिए इतना डिस्क्रिप्शन काफी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।